आयुष्मान की एक अच्छी आदत है, पता है क्या? वो चाय लेके आता है घर से, वो पराठे लेके आता है, आज नहीं लाया होगा तो बहुत कूटेंगे। ये जो इंसान दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 सिंह वाला, चाय लाना भूल गया। मारेंगे इतना पता नहीं कितना। हाँ यही है, एक मिनट। तो चलिए आपको एक चीज दिखाते हैं, यहाँ जितनी भी गाड़ियों की आप लाल नंबर प्लेट देख रहे हैं, जैसे कि ये मेरे आगे चल रही है, ये सारी गाड़ियाँ नेपाल की हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये दिन की सुबह हो चुकी है और मेरी भी सुबह हो चुकी है, तो आज फिर से निकल पड़े हैं अपना झोला लेके ट्रिप पे। और इस बार सोचा है थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई करते हैं। इस बार पहाड़ों पे तो जाना है, लेकिन इंडिया के पहाड़ों पे नहीं जाना भाई, इंडिया के पहाड़ों पे नहीं जाना। तो आज हम लोग निकल रहे हैं लखनऊ से सोनौली बॉर्डर होते हुए नेपाल। और अभी बस मैं टेढ़ी पुलिया क्रॉस किया हूँ और अब जा रहा हूँ मैं आयुष्मान से मिलूँगा। आयुष्मान भाई अजीब सा दोस्त जो जिसके साथ मैं हमेशा से ट्रिप करता हूँ, तो आप तो जानते ही होंगे। तो अभी जा रहा हूँ उसके पास, थोड़ा बहुत चाय वगैरह पियेंगे। और आयुष्मान की एक अच्छी आदत है, पता है क्या? वो चाय लेके आता है घर से, वो पराठे लेके आता है, आज नहीं लाया होगा तो बहुत कूटेंगे, देखते हैं क्या सीन है। और बाकी नए हेलमेट के साथ थोड़ी सी मैंने छेड़छाड़ किया है, तो पता नहीं कैमरा का एंगल कैसा आ रहा हो, क्योंकि एक तो टैंक बैग भी मैंने ये लगा रखा है, तो पता नहीं कैसा व्यू आ रहा हो। बट मैं चलते चलते चेक करता रहूँगा और अगर व्यू में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो भी चेंज कर दूंगा। और मैं आज सारी चीज़ें बताऊँगा कि आप अगर नेपाल जाना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या नहीं लगता, कैसे क्या, अपनी बाइक लेके कैसे आप जा सकते हैं, ब्ला 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 सब कुछ बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले मिलते हैं आयुष्मान से और फिर देखते हैं। फ़ोन भी आ गया उसका, चलिए मिलते हैं उससे। गले में खिंच खिंच, विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो। ओके तो यार सनराइज़ हो चुका है और आयुष्मान भी हम लोग को मिल चुका है और पेट्रोल भी भर चुका है और अब निकल रहे सीधा बस्ती की तरफ, क्योंकि बस्ती रास्ते में पड़ता है। तो सिद्धार्थ नगर बस्ती वाला जो रोड है वहीं से होते हुए हम लोगों को जाना है और फिर बस्ती की और आगे निकल जाना है, तो वहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को सनौली बॉर्डर। और सनौली बॉर्डर में कुछ चीज़ें बनती हैं, बाइक का परमिट होता है जिसे बोलते हैं भंसार। हाँ भैया ट्रक वाला आ गया। ओके तो वो बनता है वहाँ पे, यहाँ पे हम लोग बाइक का परमिट बोलते हैं, उस वहाँ नेपाल में भंसार बोला जाता है। होती एक ही चीज़ है कि इंडिया की गाड़ी को नेपाल में चलाने का एक परमिट होता है और आपको वो जितने भी आप दिन रुकना चाहते हो उतने दिन का आप अपना बाइक का या कार का या किसी भी चीज़ का बनवा सकते हैं। तो हम लोग जैसे अगर एक हफ्ता भी रुकते हैं ना तो 10 दिन तक का बनवा लेते हैं कि इन केस अगर थोड़ा बहुत लेट हो गए तो, इसीलिए एक्स्ट्रा दिन का बनवा लेते हैं। और अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी एक्स्ट्रा डेज का बना लीजिए। मान लीजिए बाइक में कुछ इशू हो गया तो परमिट एक्सपायर हो जाएगा, तब दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर। दूसरी चीज़ ये होती है कि वहाँ जाते ही सारे सिम बंद हो जाते हैं। अगर आपका इंटरनेशनल वाला अगर है चल रहा है तो कोई बात नहीं, पर आपके यहाँ इंडिया के सारे सिम बंद हो जाते हैं, तो वहाँ जाके आप आधार कार्ड के बेस्ड पे अपना नया सिम निकलवा सकते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे रिचार्ज वगैरह महंगा है बट काम चल जाता है और स्पीड भी उतनी नहीं आती है पर काम चल जाता है, सो है। तो वो भी सारी चीज़ें भी मैं दिखा दूंगा, कितनी स्पीड आती है, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंडिया के पैसे आप जितने भी हैं ना एटीएम में मत लेके जाइए, क्योंकि वहाँ वो सब नहीं चलेगा। आप कैश निकालिए हार्ड कैश और वहाँ पे एक्सचेंज कराइए करेंसी में। अभी जब मैं बॉर्डर क्रॉस करके जब करेंसी वगैरह एक्सचेंज कराऊँगा ना तो सारी चीज़ें दिखाऊँगा। ये जो इंसान दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 सिंह वाला, चाय लाना भूल गया। मारेंगे इतना पता नहीं कितना। हमेशा चाय लाता है, आज चाय लाना भूल गया, एक पराठा नहीं ला सकता था क्या? हम मारेंगे अभी फुटेज देना। तुम इतना समझा नहीं पा रही थी,
देखो कितना अच्छा। चलो यार ये तो कुछ लाया नहीं है, ध्यान ही नहीं रखता है, यहीं से लेना पड़ेगा। तो ये छोटा सा ब्रेक है, खाते पीते फिर निकलते हैं। तो यार जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, ये दूसरा टोल था और हम लोग काफ़ी देर के लिए यहाँ बैठ गए थे। रीज़न ये था कि इस रोड पे हम लोगों को सीधे जाना है ना, तो सूरज भी एकदम सामने ही पड़ रहा था, तो सूरज इतना तेज़ लग रही थी उसकी लाइट की आंखें बंद हो रही थी, और आंखें बंद हो रही थी तो नींद आ रही थी बहुत गंदी वाली। इसीलिए यहाँ पे बहुत हार्ड कॉफ़ी बनवाए, कॉफ़ी पिए, अब जाके थोड़ी बहुत मतलब नींद आना कम हुआ है, और धीरे धीरे सूरज भी ऊपर जा रहा है तो अब ज़्यादा इतना धूप लगेगी भी नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट कर ली। अब यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से सनौली बॉर्डर रह गया है 215 किलोमीटर, और बस्ती कुछ 130 के आसपास किलोमीटर बच गया है, तो बस्ती होते हुए जाएंगे। वैसे मुझे कंफर्म नहीं पता है बस्ती का, बट सनौली 215 है ये मैंने अभी जीपीएस पे चेक किया था। तो अब यहाँ से चलते हैं, और अभी तो यार बॉर्डर पे भी बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। अभी आयुष्मान को अपनी बाइक का POC भी करवाना है। दूसरी चीज़ जो मैंने भंसार वगैरह बताया था, भंसार करेंसी एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। तो मुझे लग रहा है आज जो हम लोगों की पहली डेस्टिनेशन लुम्बिनी होने वाली है, उसमें वहाँ मतलब वहाँ पहुँचते पहुँचते 4 या 4:30 बज जाएंगे, क्योंकि इतना तेज़ चल भी नहीं रहे, आराम आराम से ही चल रहे हैं। तो जैसा होगा अपडेट देते हैं। फिलहाल अभी तो POC करवाएंगे और फिर नॉनस्टॉप निकलते हैं सनौली बॉर्डर की तरफ। बहुत सुंदर किसी ने तालाब बना रखा और बहुत साफ पानी लग रहा है। खैर उससे अच्छा पानी आपको अभी आगे दिखाते हैं, पहले ये दो जो ट्रक रेस कर रहे हैं ना, इनकी रेस ख़त्म हो जाए उसके बाद दिखाते हैं। अरे बढ़ लो चचा, अरे जीत गए लेफ्ट वाले, अब तो बढ़ लो, ब्रेक मार दिए यार। आगे चलते हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं नेपाल जा रहा हूँ ना, तो मैंने अपनी RR में जो एग्जॉस्ट लगा रखा था वो हटा के दोबारा से मैं स्टॉक एग्जॉस्ट पे आ गया हूँ, तो इसीलिए आपको आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। नेपाल जा रहे थे तो सोचा कि फिर से स्टॉक कर लेते हैं, तो स्टॉक बाइक है अभी पूरी, कुछ मॉडिफिकेशंस हो रखे, जैसे नीचे आगे ऑक्सिलरी लाइट लगी हुई है और बाकी फ्रेम स्लाइडर है, उससे अलावा कुछ नहीं मैंने अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन करा रखा है। और अब आने वाले हैं हम लोग नदी के पास, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलते हैं। ये रही नदी, वेलकम टू अयोध्या गाइस। ये जगह जब भी पड़ती है ना, जब भी मैं इधर आता हूँ ना, मुझे बहुत प्यारी ये जगह लगती है। तो यार जिस हाईवे पे हम लोग चल रहे थे वहाँ से हम लोगों ने ले लिया है लेफ्ट टर्न और आ गए हैं इस रोड पे, और ये रास्ता वही है जो बस्ती जाता है। और बाकी आप रास्ता देख सकते हैं भाई, रास्ते की तो बत्ती बुझी पड़ी है, पिछली बार आए थे तो इतना ख़राब रास्ता तो यार बिल्कुल नहीं था, आज बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है। और कैमरे में फिर भी वो जो बम्प्स होते हैं ना, वो ऊंची नीची रोड, वो इतना नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन रियल में भाई रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, हालत ख़राब हो रही है यहाँ चलाने में। और मैं तो ये सोच रहा हूँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर कैसे बाइक चलाएँगे, क्योंकि वहाँ तो एकदम पक्का ऑफ रोड मिलने वाला है। पर आ गए यार, यही तो एडवेंचर है, कब तक हाईवे पे चलाते रहेंगे, थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ेगा। तो जिनको लगता है भाई टूरिंग आसान है, बिल्कुल आसान नहीं होती, बहुत धज्जियाँ उड़ जाती है पूरी शरीर की, और ये जो गियर्स वगैरह पहन के चलते हैं ना, गर्मी में अंदर से ऑमलेट बन जाता है। तो चलिए आपको एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ जितनी भी गाड़ियों की आप लाल नंबर प्लेट देख रहे हैं, जैसे कि ये मेरे आगे चल रही है, ये सारी गाड़ियाँ नेपाल की हैं। तो सनौली बॉर्डर यहाँ पे कुछ 4 या 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से नेपाल की गाड़ियाँ इधर भी दिखती हैं उधर भी दिखती हैं, और इंडिया की गाड़ी
उधर भी दिखती है इधर भी दिखती है, देखे सामने से आ रही है, ये भी लाल नंबर प्लेट की, ये भी लाल नंबर प्लेट की, जितनी गाड़ियाँ ये सब दिख रही है ना, ये सारी की सारी नेपाल की गाड़ियाँ हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए एक और ये रेड नंबर प्लेट, इधर रेड नंबर प्लेट। तो सर्विसिंग के लिए भी यहाँ बहुत सारी आपको गाड़ियाँ दिख जाएंगी। अब जल्दी से यार सनौली बॉर्डर पहुँचते हैं, क्योंकि आयुष्मान लोग पहुँच चुके हैं, हम कैश निकालने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गए थे और शाम का टाइम है तो भीड़ भाड़ तो रहती ही है। एक बार पहुँच जाएँ उनके पास फिर देखते हैं कि क्या करना है। ओ हो, गलत बयाना ले लिए, नहीं सही बयाना ले लिए। और अगर वो आपको आगे दिख रहा हो बड़ा सा गेट, तो वही है सनौली बॉर्डर, और यहाँ रहती है बहुत ज़्यादा भीड़। चचा चचा थोड़ी जगह दे दो, फॉर्चुनर थोड़ी जगह दे दो, थोड़ी जगह दे दो, थोड़ी जगह, धन्यवाद। तो यार पहले पहुँचते वहाँ पे, क्योंकि इस भीड़ भाड़ से निकले, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो भाई साहब पीछे पड़ता है एक चेक पोस्ट, वहाँ पे जितना भी सामान होता है ना उसे निकाल के वो मशीन से चेक होता है, और उसके बाद अब लिटरली अब मैं नेपाल के अंदर आ गया हूँ। बस वो जो बैरियर है उसे क्रॉस कर लूँ मैं तो मैं नेपाल के अंदर आ जाऊँगा। और सिम वगैरह सारा चलना बंद हो गया है, सिम चलना बंद हो गया है, अब मुझे गाड़ी का भंसार बनवाना है और करेंसी एक्सचेंज करनी है, और एक सिम लेना है, करेंसी एक्सचेंज करनी है, और गाड़ी का भंसार बनवाना है। तो यार डॉक्यूमेंटेशन करते करते हो गई है रात, और ये जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे ऐसी बहुत सारी शॉप्स पड़ जाएंगी, तो यहाँ पे आप अपना बाइक का परमिट बनवा सकते हैं जिसको भंसार बोलते हैं, तो हम लोगों ने बनवा लिया है। और दूसरी चीज़, ये बॉर्डर है सनौली बॉर्डर, अगर वो बैरियर आपको दिख रहा हो तो उधर उसके आगे नेपाल लग जाता है, और ऐसी बॉर्डर इस तरफ भी है, सॉरी बैरियर, उधर इंडिया लगता है। और ये है बीच की जगह जो ना ही नेपाल में आती है और ना ही इंडिया में आती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको सिम भी लेना है तो वो सारी चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी, बाइक का परमिट हो, करेंसी एक्सचेंज हो, या फिर आपको सिम लेना हो, सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। बॉर्डर क्रॉस करते ही राइट साइड में आइए या फिर उधर लेफ्ट साइड में चले जाइए। और हाँ, बाइक चेक होती है, बाइक नहीं चेक होती, मतलब बाइक पे जितना भी सामान होता है वो सारी चीज़ें चेक होती हैं, तो वो सारी चीज़ें चेक हो रही थी तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग गया। तो अगर आप नेपाल आ रहे हैं लखनऊ से तो थोड़ा सा जल्दी आइए, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा लगी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और पता नहीं अब कब तक ऐसे दिन रहे, ज़्यादा देर तक तो दिन रहेगा नहीं, शाम हो ही चुकी है, सनसेट भी हो चुका है। तो हम लोग निकल रहे हैं लुम्बिनी की तरफ, और अगर थोड़ा बहुत दिन रहता है तो व्लॉग करेंगे, नहीं तो सीधे आपसे मिलते हैं रूम पे। तो यार हम लोग अब नेपाल के अंदर हैं, बैरियर वगैरह सब क्रॉस कर चुके हैं, और नेपाल के अंदर अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और ये फीलिंग नई, अरे भाई हाँ, ये फीलिंग नई नहीं है, पुरानी है, मैं पिछले साल भी आ चुका था, मैंने व्लॉग भी डाला था, पर वो सारे व्लॉग्स दूसरे चैनल पे थे, जो कि मेरा चैनल टर्मिनेट, भैया कहाँ चले आ रहे हो, चैनल टर्मिनेट हो गया था तो सारे वीडियो चले गए, इसीलिए सारी मेमोरीज़ को फिर से ताज़ा करने के लिए फिर से आ गए हैं। और मुझे पता है रात ऑलरेडी हो चुकी है और कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा बहुत जितना भी दिखे आप लोग इन्जॉय करिए। और एक गेट आगे पड़ता है वो मैं आपको दिखा दूँ, फिर उसके बाद सीधे रूम पे मुलाकात करेंगे। यहाँ पे चेकिंग के लिए शायद यहाँ दिखाना पड़ेगा पुलिस वालों को, ठीक है, मुझे लगा ही था रोकेंगे, तो यहाँ चेकिंग करवाते हैं फिर निकलते हैं आगे। ये कुछ 12 दिन का है, दो हाँ, दोनों का अलग अलग है, मतलब साथ में है, पर ये मेरी बाइक का है, वो उनकी बाइक का है। ओके वेलकम। क्या चीज, ठीक ठीक ठीक, अभी तो लुम्बिनी जा रहे हैं, जा सकते हैं यहाँ से 25 किलोमीटर आगे, 25, ओके थैंक यू, जा सकते हैं।
तो इसी गेट की बात कर रहा था, पता नहीं आपको कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है, पर यहाँ से ऐसा लगता है कि अब नेपाल के अंदर आ चुके हैं। और भाई सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है भाई, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, पिछली बार तो सिर्फ एक बार पूछा था। तो अब यहाँ से लुम्बिनी जाएंगे और रात ऑलरेडी हो ही गई है तो आप क्या ही देखेंगे, तो सीधे आपसे मिलते हैं रूम पे। सर पहुँच चुके हैं लुम्बिनी और ये वही जगह है जहाँ पिछले साल भी हम लोग रुके हुए थे। कैसे लग रहा है भाई? अंकल ने जो रिएक्शन दिया ना हम लोग को तुरंत देख के भाई मजा आ गया मतलब। और ये अंकल वही है, पिछली बार फोन छूट गया था तो भैया ने कॉल करके बताया था। अच्छे हैं, हमने इनको एक तुरंत कॉल किया, उन्होंने तुरंत हमको बुला दिया। और पिछली बार फोन मेरा छूट गया था तो फोन भी अंकल ने संभाल के रखा था, तो अभी हमको देख के जिस तरह अंकल खुश हुए तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को भी, तो तुरंत हम यहाँ आ गए। और बाकी बाइक का साइज आप देख ही सकते हैं, इसको भीड़ भाड़ से निकालने में इसीलिए इतना टाइम लग गया। और इस जगह का नाम ये है त्रिमूर्ति होटल लुम्बिनी, तो यहीं पे हम लोग पिछले साल भी रुके थे और अभी भी रुके हैं। तो अगर आप कभी अरे भाई अभी गिरते गिरते बच जाता फोन, तो अगर कभी आप यहाँ पे आते हैं तो इस जगह पे ज़रूर विज़िट करिएगा। अंकल बहुत सही है और अच्छा खासा खाना भी मिल जाता है यहाँ पे। तो ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।